like, share, subscribe to Hamsafar Rashi. वेलकम है फ्रेंड्स, आप सभी का आप ही के चैनल में जिसका नाम है हम सफर आशीष। तो चलिए चलते एक नए सफर पर। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे और खुश होंगे। तो आपने इस ब्लॉग के इंट्रो में देखा होगा कि मैं कुछ रेडी हो रहा हूँ शूज़ वगैरह पहन के। तो यस फ्रेंड्स, मैं भी जैसे अभी बैंगलोर में हूँ तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ वीकेंड्स में कहीं जाया जाए, ट्रैकिंग स्टार्ट किया जाए, ताकि आपको भी मैं दिखा सकूँ। जो लोग बैंगलोर के नहीं हैं वो मेरे थ्रू, इस वीडियो के थ्रू जो है उस बैंगलोर को घूम सके। तो यस, मैं एक ट्रैकिंग में जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, जगह का नाम कैसा है, किसके थ्रू मैं जा रहा हूँ, सारा डिटेल्स आपको धीरे धीरे इस ब्लॉग के एंड तक आपको सारा पता चल जाएगा। एंड ट्रैकिंग के लिए जो कुछ एसेंशियल चीज़ें रहती हैं, कि जैसे कि हो गया ट्रैकिंग स्टिक हो गया, वो पर मैंने यहाँ पे मॉडरेट वाला भी पहले स्टार्ट कर रहा हूँ तो लिया है। मोस्ट प्रॉब्ली उसका यूज़ ना हो, बट यस ना वो फील लेना चाहता था, तो इसके लिए अपने साथ में वो सब लेके जा रहा हूँ। तो अगर चांस मिला तो ज़रूर उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ फ्यूचर में तो वो होने ही वाला है। एंड ट्रैकिंग शूज़ वगैरह हो गए, पानी के बोतल, क्या क्या नेसेसरी चीज़ें रहते हैं, आप वो पहले क्लिप देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें बहुत ही एसेंशियल्स हैं। एंड अगर आप सिर्फ ट्रैवलर हैं तो कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी, बट यस अगर आप ट्रैवलर के साथ एक यूट्यूबर भी हैं, ब्लॉगर हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें लग जाती हैं। यस, मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ। अभी मेरा जो पिकअप है वो टाइम है 6:20 का। एंड KLM फैशन मॉल है माराथली ब्रिज के पास, वहाँ से मेरा पिकअप है। एंड मैं कुंदन अली गेट के पास तक रहता हूँ, तो पहले मैं देखता हूँ कि कुछ मेरे को कैब वगैरह या फिर कोई रैपिडो में बाइक वगैरह मिलता है कि नहीं। सबसे पहले मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ अपने लोकेशन में, पिकअप लोकेशन में, फिर आपको वहाँ पर मिलता हूँ। तो यस फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ KLM मॉल के पास में, वेट कर रहा हूँ कि हमारा जो कैब है उसका आने का, फिर आगे आपसे मिलते हैं कि लोगों से भी अगर हो सके तो मिलाऊंगा, बट यस विद देयर कंसेंट। बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊंगा, जुड़े रहिए, आपको भी मज़ा आएगा। एंड मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं जिन लोगों के साथ जा रहा हूं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसा रहा। एंड अगर आपको भी कभी जाना होगा, अगर अच्छा रहेगा तो वो आप भी उनके साथ जा सकते हैं, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा अगर वो अच्छा रहा। बट सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको शेयर करूँगा, एंड आप भी बताइएगा वो एरिया कैसा लगा आपको। तो यस फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट आया है कि वो जो सिल्क बोर्ड से वो निकल गए हैं। एंड मैं जो हूँ, जैसे मैंने बताया था, KLM फैशन मॉल से आऊँगा तो यहाँ पे और 10-15 मिनट में पहुँचेगा बस। एंड वो है जैसे 22 सीटर का जो ट्रैवलर्स रहता है वो, क्योंकि हम अराउंड 17-18 पीपल जो हैं वो जा रहे हैं। तो वेट करते हैं, फिर जर्नी को शुरू करते हैं। तो यस फ्रेंड्स, ये आ गया है गाड़ी, बैठते हैं फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो यस, अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर। तो यस फ्रेंड्स, अभी ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं। मैंने इडली ऑर्डर किया था, थोड़ा लाइट ही रख रहा था क्योंकि अभी आगे जब ट्रैक में, नहीं तो अगर हैवी खा लेंगे तो दिक्कत होगा। एंड उसके साथ ही अभी तक का जर्नी बहुत अच्छा रहा है, नए नए लोगों से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए मौका मिल रहा है, कुछ नए हमसफ़र बन रहे हैं। एंड यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा चीज़ किया था, क्योंकि बहुत ही मोस्टली जो है वो सोलो ट्रिप करने के लिए आए हैं, कुछ हैं जो ग्रुप में हैं। तो आइस ब्रेक करने के लिए हम कैसे कुछ इंट्रोडक्शन देना है, बट इट्स नॉट द कि आप ऑफिस जा रहे हो वैसा इंट्रोडक्शन, इट हैज़ टू बी सम फन। तो हमको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे मेरा नाम आशीष है स्टार्टिंग विद ए लेटर, तो मुझे कुछ ऐसा एक फूड बोलना है एंड मेरे को इंट्रोड्यूस करना है एज दैट फूड। तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ है। एंड देन द बेसिक वन कि आपका क्या है, हॉबीज़ क्या है, आप कहाँ से हैं, एंड अगर कुछ एक सुपर पावर मिले तो क्या मिलेगा। तो जस्ट टू नो ईच अदर बिफोर वी रीच टू द बेस। Don't think you require on the track, just leave it in the this thing, but don't leave any valuables in the vehicle, and you won't get any water source midway, so carry enough water. So yeah, let's have a great track. तो यस, हम बेस में आके पहुंच गए हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क हो गया है। एंड मैं आपसे पूरा गैंग को दिखाता हूँ, ये पूरा गैंग। Yes,
हम तो उनके लिए स्टार्टर्स के लिए नहीं इनिशियल क्यों लुक हु जॉइंड अस कहाँ से लुक एट द व्यू अभी हार्डली हम आए हैं 1 किलोमीटर बट मोस्टली सब थक चुके हैं धूप नहीं था पर हमने जब स्टार्ट किया तो धूप आ गया आधे लोग वहाँ हैं एंड ये सबसे आगे चल रहे हैं हम एंड कुछ लोग वहाँ थक चुके हैं वे वेट कर करके आ रहे हैं See, I have chosen the easiest path, but the longest. But कुछ लोग यहीं से चढ़ के बहुत stiff है but वो वहीं से direct shortcut लेके ऊपर चले गए हैं So ये first time के लिए सही है and जैसे ये साथ में पानी ज़रूर रखिएगा dehydrate आप बहुत जल्दी हो जाएंगे एक तो बस चलना है ऊपर से सन भी आ चुका है तो अपना आराम से रेस्ट ले लेके जाइए डोंट वॉन्ट टू कम्पीट विथ एनीबडी बट व्यू जो है वो बहुत ही अच्छा है बहुत ही अमेजिंग है देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं ट्रैकिंग करने के लिए अभी वो लौट रहे हैं बहुत जन वापिस आ रहे हैं देखो लेकिन बीच बीच में पूरा ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो है बट मज़ा बहुत आ रहा है ये ऊपर एक मंदिर है अभी वहाँ जा रहे हैं तो ये है पूरा टॉप यहाँ पे एक मंदिर है एंड व्यू देखिए एक कर्नाटका का फ्लैग एंड लुक एट इट ऑसम एंड ये एक है अलग एडवेंचर टूर ऑर्गेनाइजर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है आई थिंक पानी जो जम जाता है बट ये जो रेगुलर ट्रैकिंग करते हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा एंड फर्स्ट टाइमर जैसा मैं हूँ तो थोड़ा सा आपको थकान महसूस होगा बट दैट इज़ फन द प्लेस इज़ वर्थ इट दैट पेन एंड मंकी से बी केयरफुल वो आपके बिलोंगिंग्स को छीन सकते हैं सो देख के यूज़ कीजिएगा सारे इक्विपमेंट्स एंड ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं जिनके थ्रू आया हूँ उनका नाम है वेबसाइट का प्लान योर अनप्लान्ड एंड उनका एक साइट है आप उनमें जाके सर्च कर सकते हैं डेट वाइज आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या वो इवेंट करा रहे हैं एंड प्राइस क्या है उसका एंड मोस्टली फ्राइडे सैटरडे मेन रहता है संडे आपको कुछ कुछ मिलेंगे तो इन्हीं 3 डेज़ का जो है वो आप प्लान कीजिएगा अकॉर्डिंगली एंड सारा डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाता है लाइक ये आइटनरी क्या होने वाला है पिकअप कहाँ से होगा आपके पास ऑप्शन है या तो आप पिकअप का ऑप्शन ले सकते हैं या फिर सिर्फ आप जो है वो ट्रैकिंग का पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा वहाँ पे आपको सारा डिटेल शेयर किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो मेन चाहिए आपको ट्रैकिंग के लिए पीछे आप देख पा रहे होंगे बहुत ही भीड़ है बहुत ही यहाँ पे ऐसे गैदरिंग होता है एंड स्पेशली संडे है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू वीकडेज बट सब जगह से आप देखिए व्यू बहुत ही बढ़िया है
एंड यस, मैंने तो आपको लोकेशन बताया नहीं, तो हम आप जहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं, नाम है उत्तरी बेटा ट्रैकिंग, डे ट्रैक है। जो इनिशियल जो स्टार्ट कर रहे हैं बिगनर्स, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये ऑल टुगेदर अप एंड डाउन अगर आप करेंगे 5 to 6 kilometers का है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, ताकि उनको पता चल पाएगा कि उनका स्टेमिना कहाँ है एंड किस कहाँ पर हमको उनको वर्कआउट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम उनको हेल्प हो सके। तो यस, ऊपर से यहाँ पे घूमने का हो गया, अभी हम नीचे जा रहे हैं सब कोई, देन फिर उस एरिया में वहाँ पे पीछे जो एक एरिया है उस तरफ जाएंगे, देन वहाँ से हम फिर डिसेंट स्टार्ट करेंगे अपने बेस के लिए। तो यहाँ से मंदिर से हम नीचे आ गए हैं, अभी जा रहे हैं लास्ट लोकेशन की तरफ। क्योंकि पहले से भी यहाँ पे कोई कोई ग्रुप आए हुए हैं, ये एक दूसरा कोई ग्रुप आया हुआ है। देखो ये महाशय कहाँ बैठे हैं, लग रहा था ख़त्म होने वाला है, बट स्टिल आई थिंक बहुत अभी आगे जाना है। उस तो आगे एक लेक है, देखते हैं पूरा उस लेक के पास जा पाते हैं कि नहीं। अभी ये ट्रैकिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप का आ रहा है, पहले रॉक सारे आ रहे थे, सीढ़ीज़ थे, ना ये ऑफ रोडिंग जैसा है। वाओ, ऑसम। बहुत ही अमेजिंग व्यू है, कैक्टस के भी पेड़ है यहाँ पे। वाओ, तो हम आ गए हैं पूरे टॉप में, एंड यहाँ से जो इसका जो लोकेशन का व्यू आ रहा है वो बहुत ही एक्सपीरियंस अलग है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसा है, लुक ऑसम व्यू है। एंड जो लेक की हम बात कर रहे थे, उस लेक पास में नहीं जा सकते, दूर से वो एक लेक है, वो एक लेक है, यू कैन एक्सपीरियंस दूर से, बट यहाँ से जो व्यू का लोकेशन आ रहा है, जो व्यू आ रहा है, दैट इज़ ऑसम, वर्थ इट है। हम इससे पहले जहाँ पे थे वो था वो वाला मंदिर, एंड वहाँ से ऐसे घूम के आके हम यहाँ पे आए हैं अभी कनेक्ट, यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा था, चलते हैं हम भी एक वहाँ पे ग्रुप फ़ोटो लेते हैं। तो यस फ्रेंड्स, जो है पूरा वो हमारा घूम लिया, हमने एक्सप्लोर कर लिया ये टॉप को भी, अभी हम डिसेंट स्टार्ट कर रहे हैं नीचे जाने के लिए। एंड नीचे का कैसा है, ऊपर आने के लिए तो थोड़ा सा थक गए थे हम, अब देखते हैं कि जब हम नीचे उतरते हैं तब कैसा रहता है, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा था, एंड मैं जिन लोगों के साथ आया था उनका है, जैसे मैंने आपको बताया, प्लान योर अनप्लान, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। मैंने ये स्टार्ट किया था, ये बहुत ही मॉडरेट जो था वो ट्रैकिंग का लेवल था, आप अगर ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं तो आप हार्ड वाला लेवल भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। मोस्टली आपको ऐसे बिग बिग रॉक्स जी मिलेंगे, उसी के साइड में ऐसे आपको रास्ता मिलेगा और आपको जाना है ट्रैक करते हुए। सो आई विल सजेस्ट कि आप भी अगर आएंगे स्नीकर वगैरह पहन के मत आइएगा, ऐसे ट्रैकिंग शू पहन के आएगा, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके, सेफ्टी मिले। तो इस वहाँ से आने के बाद वापस हम पहुँच गए हैं, जो ये वाला पैच जो है मेरे को सबसे अच्छा लगा इस ट्रैक का, व्यू भी और
चलने के लिए जो उसके साइड में से बना है, बहुत ही अमेजिंग है। तो ये सभी जैसे हम आधा नीचे उतर के आ गए हैं, पर जैसे चलने का, ऊपर जाने का, क्लाइंब करने का अलग उसका कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, उतरने का भी वैसा ही अपना है। इसमें नीज़ में बहुत ही जो है वो प्रेशर पड़ता है, तो अपने टो में ज़्यादा प्रेशर देके हमको नीचे आना पड़ता है धीरे धीरे। है आपको बीच बीच में आपको ऐसे कुकुम्बर वगैरह भी मिलेंगे, बटर मिल्क वगैरह। तो यस, ऑलमोस्ट हम डिसेंड करके आ गए हैं, वहाँ पे कुछ लोग पहुँच भी गए हैं, बस वही है हमारा एंड पॉइंट। और पार्किंग से ये है, लास्ट में हम जब पहुँचे अपने पार्किंग एरिया में, तो ये आपको एक मिलेगा। एक फोर्ट जैसा बन रहा है, एंड यहाँ से भी व्यूज ही अच्छा आएगा, एंड नीचे ऐसे जाने के लिए रास्ता भी है यहाँ से। ये काइंड ऑफ फोर्ट जैसा है, एंड डायरेक्टली आप वहाँ से निकल के इस रोड में टच कर सकते हैं। एंड व्यू देखिए यहाँ से, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। एंड पूरा हेयर पिन बैंड यहाँ से है पूरा नीचे तक। तो ये सेंस मज़ा तो बहुत आया है, बट थक भी गए हैं, पहले बार एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा रहा। आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कैसा लगा है आपको। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुद खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। स्प्रेड द लव। थैंक यू सो मच।